वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। आज हम एक ऐसा स्टार्टर बनाने वाले हैं जो आपके घर में कोई फंक्शन हो या पार्टी हो तो इसके लिए आपको ये बहुत बढ़िया लगेगा और आप इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, और वो है तंदूरी पनीर टिक्का, जिसे हम आज दो तरीके से बनाने के आपको सिखाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हाफ कप फ्रेश दही लेंगे, जिसमें पानी का हिस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे, 300 ग्राम पनीर लेंगे जिसे हमने क्यूब में काट लिया है, और 1 कप मिक्स में हम कैप्सिकम, प्याज और टमाटर लेंगे। टमाटर का बीच का हिस्सा हम निकाल देंगे, और ये तीनों सब्जियां हमने चौरस टुकड़ों में काट ली है। अब आगे एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसके अंदर हमने जो बेसन लिया है वो डालकर हम इसे 3 से 4 मिनट तक स्लो गैस पर रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से जब हम इसे मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका कच्चापन नहीं रहेगा। ये रोस्ट हो चुका है, गैस ऑफ कर कर इसे निकाल लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेकर सबसे पहले हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद हमने जो बेसन रोस्ट किया था वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, और सबसे पहले इन सब को हम मिक्स कर देंगे। देखिए, बेसन और दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब हम इसमें मसाले करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1.5 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद हो तो 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जब हम पनीर को मैरिनेट करें तो इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए। देखिए, हमारा मिक्सर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हमने जो वेजिटेबल्स लिए हैं वो इसमें हम डाल देंगे, और इसके बाद पनीर भी इसमें डाल देंगे, और ये सब डालने के बाद हम इनको अपने हाथों से ही मिक्स करेंगे जिससे कि सारा मिक्सर इसमें कोट हो जाए। देखिए, हाथों से ही हमें इस तरह से अच्छी तरह से सारी सब्जियों को कोट कर लेना है, और ये अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब 1/2 घंटे के बाद हम इसे बनाने की शुरुआत करेंगे। हम इसके लिए जो स्टिक आती है वो लेंगे, और इसमें हम पहले प्याज लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। हमें याद रखना है कि पनीर को हम सबसे लास्ट में और सबसे फर्स्ट में नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम कोई भी सब्जी रखेंगे और इसके बाद पनीर। इसके बाद हम टमाटर लेंगे, टमाटर के बाद हम लेंगे और कैप्सिकम के बाद फिर से हम पनीर लेंगे। इसी तरह से हम टिक तैयार कर देंगे जिसमें हमने 4 पनीर के पीस लिए हैं, और इसी तरह से हम सारी स्टिक को तैयार कर देंगे।
हमारी ये स्टिक बनकर तैयार है। अब अपने हाथों से जिसमें से मैरिनेशन का हिस्सा निकल गया है वो हम लगा देंगे। हमारी एक स्टिक तैयार है और इसी तरह से हमने सारी स्टिक तैयार कर रख दी है। अब सबसे पहले हम ग्रिल पैन में बनाएंगे। इसके लिए हम एक नॉनस्टिक ग्रिल पैन लेंगे और इसे गरम कर देंगे। गरम होने के बाद हम इसके अंदर तेल लगा देंगे। तेल अच्छी तरह से लगाने के बाद हम मीडियम हाई गैस पर जो स्टिक बनाई है वो इसके अंदर रख देंगे और इसे हम पकने देंगे। दो दो तीन तीन मिनट के बाद हम इस स्टिक को घुमाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए और कहीं भी से ये कच्चा ना रहे। देखिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे पलटते रहेंगे और इसे हम डार्क ब्राउन या थोड़ा काला हिस्सा हो तब तक हम पकाएंगे और ऊपर से भी हम थोड़ा तेल लगा देंगे। देखिए, इस तरफ से भी हम पलट देंगे और देखिए ये डार्क ब्राउन या थोड़ा काला हिस्सा हो गया है और चारों तरफ से हमारा तंदूरी पनीर टिक्का हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। हमें सारी स्टिक को ऐसे ही सेकना है। अब जिसके पास ग्रिल पैन ना हो इसके लिए हम डायरेक्ट गैस पर भी इसे बनाने को सिखाने वाले हैं, पर हमें स्टिक को ऐसे दोनों तरफ से पकड़ना है और इसे भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम ऐसे घुमाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और हमें हाथों को थोड़ा ऊपर रखना है ताकि हम जल ना जाए। देखिए, हमें इसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद घुमाते रहना है ताकि ये किसी भी तरह से कच्चा ना रहे। देखिए, ये चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन होने लगा है। आप इसे एक ही तरफ पकड़े रहेंगे तो ये एक तरफ से जल जाएगा और दूसरी तरफ से कच्चा रहेगा। इसीलिए हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, हमारा तंदूरी पनीर टिक्का तैयार है और हमने आपको दोनों ही तरीकों से सिखा दिया है। तो तैयार है हमारा घर पर आसानी से बन जाने वाला तंदूरी पनीर टिक्का, जिसे हम सलाद और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ऐसे ही नई नई रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।